हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आज आपके साथ गौरव, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे गेम के बारे में। जी हाँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर पबजी की, क्योंकि मैं जानता हूँ पबजी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप सोच रहे हैं पबजी के बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक न्यू गेम की, जो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है और काफ़ी लोग उसे एक्साइट हैं खेलने के लिए पबजी के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्ले स्टोर पर चलकर। यहाँ पर ये मेरा एक दूसरा फ़ोन, जिसकी स्क्रीन ये आपको अभी एक मिनट यहाँ पर दिख गई है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पर चलते हैं और मैं सर्च करता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। जी हाँ, ये काफ़ी पॉपुलर है पीसी की दुनिया में, लेकिन अब ये भी चाहता है एंड्रॉयड की दुनिया में वापस आना, वापस नहीं मतलब आना चाहता है। जैसे कि पबजी ट्रेंडिंग में आया है, तो सभी लोग सोच रहे हैं कि हम भी एंड्रॉयड पर गेम लाएँ अपना और पॉपुलर हों। तो कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही सर्च में आ जाता है। तो इस गेम के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन अभी ये गेम यहाँ पर आपको डाउनलोड के लिए नहीं मिलेगा ऑफिशियली कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इस गेम को प्ले कर सकते हैं। तो चलिए इसको अपने सेकंड फ़ोन को करते हैं बंद और चलते हैं अपने वापस से फर्स्ट फ़ोन पर। तो यहाँ पर देखिए, आपको जाना है क्रोम पर और क्रोम को कर लेना है ओपन। और यहाँ पर न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर गूगल पे आपको सर्च करना है टैप टैप। जी हाँ, ये एक एप्लीकेशन है टैप टैप। तो आप, मैं जानता हूँ ये गेम यहाँ गूगल में डायरेक्ट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपका गेम चलेगा ही चलेगा। वहाँ पर कुछ चांस ऐसे होते हैं कि फ़ाइल में कुछ करप्ट फाइलें होती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, तो चलने के चांस हैं वो कभी कभी कम होते हैं। लेकिन यहाँ से आपके 99% जो चांस है वो गेम के प्ले होने के बिल्कुल हैं। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ओपन होकर आ गई है टैप टैप। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से भी इसे ब्राउज़ कर सकते हैं, और इसका एक अपना ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर ऐप डाउनलोड करने के लिए ऊपर देख सकते हैं मार्क मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और एप्लीकेशन को ही चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोडिंग के लिए ऐड कर दी है, और मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड होने वाली है। लगभग 15 MB की एप्लीकेशन है ये। और भी काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। फ़िलहाल मैं अभी आपको सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में बताऊंगा, और इसके अगर आप अलग से कुछ और फ़ायदे जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको फिर एक अलग से पर्सनल वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। नाम बहुत अजीब है इसका, टैप टैप। तो देखिए, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। कर लेते हैं इसे ओपन। तो देखिए, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, और यहाँ पर आपको होम पेज दिख जाता है इंटरफेस यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको गेम ही गेम दिख रहे होंगे अलग अलग तरीके के। तो चलिए चलते हैं अपने काम की चीज़ पर और सर्च बॉक्स में जाते हैं, सर्च करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी सर्च कर लिया है, ऊपर ही आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग दो ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी दिख रहे हैं आपको, एक प्री रजिस्ट्रेशन वाला और एक अपडेट वाला। अपडेट ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने ये गेम पहले डाउनलोड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ आपको पूरा लगभग गेम जो है एक 1.5 GB के करीब का है वो डाउनलोड करता, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने वो डाउनलोड किया हुआ है। अब देखिए, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आप इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट से, तो वहाँ पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, फिर उसकी फ़ाइल को उठाइए, वो OVB में डालिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर सिर्फ आपको गेम पर यहाँ पर क्लिक करना है, इंस्टॉल का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और जैसे कि आपका प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है और प्ले होता है, वैसे ही सेम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसे मैं अपडेट नहीं करने वाला, मैंने काफ़ी पहले लगभग 1 महीना हो गया है गेम जब डाउनलोड किया था, तो इसकी कुछ नई अपडेट आई होंगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। आप सोचेंगे कि गेम प्ले तो दिखाया नहीं, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मेरा एक चैनल था उस पर मैंने गेम की वीडियो बनाई थी, और वाकई में आप लोगों को बताया था कि आप हैकिंग वैकिंग में मत जाइए, टाइम वेस्ट वीडियो थी। तो उसी के लिए मुझे वो चैनल मेरा यूट्यूब ने उड़ा दिया, बस मत पूछिए। तो चलिए, आपके लिए मैं गेम को ओपन कर लेता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए रिस्क नहीं लेंगे तो किसके लिए लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको Tencent Games यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप सोचेंगे इसी का ही बनवाया, तो इसने इसमें इसके ग्राफिक्स वगैरह में कुछ हेल्प की है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो लोगो है और नाम है आपको दिखता है। तो यहाँ पर आप गेम का इंटरफेस देख सकते हैं, ये मैं फ़ोन अपना हिला रहा हूँ तब यहाँ पर ये मिल रहा है, और ये यहाँ पर देता है लाइव अपडेट, यानी कि जो ये रिकमेंडेड कर रहा है कि आप इसे अपडेट कर लीजिए, इसकी जो न्यू अपडेट है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर टैप टैप जहाँ से चाहूँ वहाँ से अपडेट कर सकता हूँ।
तो देखिए गेम को मैं अपडेट करना है मुझे और यहाँ पर ये प्ले हो जाएगा और 99% जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल श्योर है कि जो आपका गेम है वो चलेगा ही चलेगा। वेबसाइट से आपके लगभग काफ़ी कम चांस होते हैं चलने के, लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने प्ले स्टोर पर, यहाँ भी आपको डाउनलोड दिख रहा होगा, यहाँ से भी ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए अपडेट करना है बस, अभी मैं इसे अपडेट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपका अगर गेम नहीं चलता तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम या इशू होगा उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। लेकिन अगर आपका गेम चलता है तो प्लीज़ से आके वापस एक कमेंट ज़रूर करना कि आपका गेम जो प्ले हुआ है नहीं हुआ है और चला है नहीं चला है, उससे मुझे अश्योरिटी रहेगी कि हाँ मैंने आपको सही चीज़ बताई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, साथ में आप कमेंट जरूर करिए, बताइए मुझे आपका गेम प्ले हुआ है नहीं हुआ है, और टैप टैप के रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिए, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो ज़रूर से प्रोवाइड करूँगा।